दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधुमिता स्किन एंड हेल्थ केयर। आज का वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है, किसी ने कमेंट किए जो दांत को मतलब टूथ को कैसे साफ रख सकते हैं। तो मेरे पास उसके लिए घरेलू कुछ टिप्स है, मतलब उपचार है, तो उसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो उसके पहले मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्टेड मेरा वीडियो। दांत में एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है, जो है दांत काला पड़ जाते हैं, जैसे पीला पड़ जाते हैं, और मसूड़े में दर्द होते हैं, कीड़ा लग जाते हैं दांत में, सूजन होता है, तो ये सबसे कैसे घरेलू उपचार से छुटकारा पा सकते, तो वही बताने वाली हूँ। घर में तो सभी का घर में नमक होता है और मस्टर्ड ऑयल, मतलब जो सरसों का तेल, सुबह उठ के सरसों का तेल और नमक से ब्रश करना है। वो ब्रश मतलब ब्रश से नहीं करना है, उंगली से करना है, अच्छे से करना है। और वो एक बार नहीं, जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दो बार करना है, जैसे सुबह एक बार और शाम के एक बार टाइम में, तो दो टाइम कर लीजिए। और ज़्यादा जिन लोगों का सूजन होता है दांत में, तो वो लोग फिटकड़ी मिलते हैं ना मार्केट में, ऐसे वाला फिटकड़ी मिलते हैं, तो ये फिटकड़ी का पानी बनाना है, फिर उस पानी से कुल्ला करना है, वो भी 3-4 बार दिन में करना है। तो इस करने से थोड़ा सूजन भी कम हो जाते हैं और दांत साफ भी होता है इससे। और ज़्यादा सूजन हो बा दांत को अच्छे रखने अमरुद का पत्ता, तो ये पत्ता का पानी बना के इससे भी आप लोग कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करने से दांत का जो कीड़ा लग जाते हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलते हैं इससे भी। जिन लोगों का मुंह से ज़्यादा बदबू जैसे छोड़ते हैं, और भी जैसे मुंह के अंदर वो दांत के वजह से दर्द होते हैं, वो लोग तुलसी का पत्ता जो होते हैं वो भी मुँह के अंदर कुछ ही जैसे 4-5 पत्तियाँ मुंह के अंदर रख सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और तुलसी का पत्ता भी आयुर्वेद चीज़ में यूज करते हैं, वो औषधि गुण रहते हैं तुलसी का पत्ता में, इसलिए तुलसी का पत्ता भी बहुत अच्छा होता है। और मुंह मीट के वजह से दांत का खय होता है, तो इसलिए उन लोग का पहले उसका पेट, मतलब उसका पेट के स्टमक को अच्छा करना पड़ेगा, फिर उसको उसका दांत को देखना। और जो लोग नशीला पदार्थ खाते हैं उनके लिए एक ही सलाह है, आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, उसके पास से इलाज करवाइए, तो दांत का जो जो प्रॉब्लम है वो तुरंत छुटकारा मिल सकता है। तो वो नशीले पदार्थ जो लोग सेवन करते उन लोग घरेलू उपचार सेवन से कुछ फ़ायदा नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत मिल सकते, ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। और एक बात बोलना चाहती हूँ, घरेलू उपचार अच्छा होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने पे, इसलिए जिन लोग धैर्य करके मतलब सब्र करके, बोलते ना सब्र का फल मीठा ही होता है, तो आप लोग, तो इसलिए मेरी एक ही सलाह है, घरेलू उपचार जब भी आप लोग यूज करेंगे लगातार यूज करना है, जैसे गैप दे के कुछ दिन यूज करे कुछ दिन नहीं यूज करे, ऐसे करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलते। तो इसलिए घरेलू उपचार जब भी यूज करना है तभी आप लोग लगातार 15 दिन यूज करना है, एक हफ्ता लगातार यूज करना है, इससे ही आप लोग को फायदा। छोटे छोटे बच्चे को उंगलियों से दांतुन करवाना चाहिए, ब्रश नहीं पकड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे गैप हो जाते हैं उन लोग का दांत में, बच्चे लोग के, तो इसलिए हाथों से करवाइए। दांत बहुत अच्छे समान जैसे होता है और बहुत सुंदर दांत होते हैं उन लोग उन बच्चे का, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे को हाथों से उंगलियों से दांतुन करवाना चाहिए। आप लोग को कैसे लगे मेरा ये टिप्स, तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो में आप लोग के लिए बनाऊंगी। तो आज के लिए टाटा बाय, टेक केयर।